नमस्कार, आप देख रहे हैं चेतक न्यूज, में हूँ प्रकाश पाराशर। हम इस वक्त खड़े जावद के सर जमीन पर, जहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कारण यही कि स्थानीय उम्मीदवार को टिकट ना देकर बाहरी व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है। इनका यह मानना है कि यहाँ से तीन दावेदार स्थानीय थे, सतनारायण पाटीदार, राजकुमार हीर, बालकृष्ण धाकड़, जिन्हें टिकट मिलना चाहिए था। कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है और यहाँ भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए। आइए हम जानते हैं उनमें किस बात का विरोध है, क्या निर्णय गलत है या उम्मीदवार गलत है। हमारे साथ मौजूद है सतनारायण पाटीदार जी, जो बरसों से कांग्रेस के लिए कार्य करते रहे, समर्पित रहे, निष्ठावान हैं। आज भी ये कांग्रेस से बगावत नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है, क्या कहना है हम जानते हैं उनसे। सतनारायण जी, ये बताइए, कांग्रेस में आपने लगातार इतने वर्षों तक सेवा की है, इसके बावजूद आपका टिकट नहीं हो पाया, क्या कोई योग्य उम्मीदवार नहीं था, क्या स्थिति बनी, निर्णय सही नहीं है या टिकट सही नहीं है? मेरा टिकट होना नहीं होना सेकंड चीज है। सबसे पहली बात यह है कि जो निर्णय हुआ है, कहीं कहीं उसमें चूक हुई है। उस पर ये जो फोरम है आज हमारा, ये हमारा ये है कि इस पर उन्होंने विचार हो। तो जो बात रही कैंडिडेट की, कैंडिडेट सबके सामने है, कार्यकर्ता आज इंदौर से एक यह आदमी आके सेवा करने की बात कर रहा है, तो हम 20 साल से जो कार्यकर्ता है वो कहाँ जाएंगे? हमारी यही भावना है, हम उपयुक्त नहीं है, हमारे में कोई कमी है। आप किसी भी कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाए, उसके साथ है, पर होना चाहिए स्थानीय जो काम कर रहे हैं वो होना चाहिए। उसके बाद कोई कहते हैं साहब साकर समाज के बोर्ड ज्यादा थे, तो हम जरा भाई साकर समाज के व्यक्ति को दे दो, हम तो साथ है ना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं क्या? पर क्या यहाँ के दागर इंसान नहीं है, यहाँ के दागर काम करने में सक्षम नहीं है, यहाँ के दागर योग नहीं है? और आज सवाल वो पैसे की अगर कोई बात करता है, ये दागर गरीब है, वो पैसे वाला है, तो दागर के साथ अगर किसी दागर दोनों टिकट तो मना थोड़ी कर रहे हैं हम, उसको तन मन धन से जिताएंगे। हमारा विरोध समुंदर पटेल का है, इंदौरी बाबू का है, जिस गद्दार ने 2018 में कांग्रेस को हराया उसका है, और फिर चुनी हुई सरकार को जिस आदमी ने गिराया है उसके साथ आप गए। उनकी निष्ठा सिंधिया के साथ है, न कि कांग्रेस के साथ है। अभी भी कोई परिस्थिति बनी 2-5 सीटों का डिफरेंस आया कि हम सबको बेच देगा, इस बात का हमको विश्वास नहीं है। इस बात हमारा आज उचित फोरम पर कमलनाथ जी से बात पहुंचा रहे हैं, और कमलनाथ जी जो भी निर्णय करेंगे उसको स्वीकार है। उसके बाद कांग्रेस के साथ हम रहेंगे, ऐसा कोई नहीं, पर इंदौरी बाबू के साथ नहीं रहेंगे। ये बताइए कि सर्वे को आधार माना गया था कि कार्यकर्ताओं से राय ली जाएगी, और क्राइटेरिया तय किया गया था कि बाहरी उम्मीदवार नहीं होगा, पैराशूट उम्मीदवार नहीं होगा। इसके बावजूद समंदर पटेल को टिकट दे दिया गया, जो कि पहले बीजेपी में थे और अब कांग्रेस में आए। आपको मालूम है, आप समाचार 34 स्तंभ और आप हमारी बात देश विदेश तक पहुंचाते हो। आपने 1050 आम सभाओं में आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा था, हम पैराशूट को पहली प्राथमिकता थी, पैराशूट उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। दूसरा उम्मीदवार कोई भी स्थानीय आदमी को व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे, स्थानीय पॉलिटिक्स है। और कमलनाथ जी हिम्मत की धरती में भी बोला होगा, आपने सुना था मंडल क्षेत्र की मीटिंग में बोला, और हवाई पट्टी पे जो प्रेस वार्ता पर प्रश्न किया था उसमें बोला था। तो कमलनाथ जी उस दिन कार्यकर्ता को अच्छा लगा था, कमलनाथ जी ने हमारी भावना को समझा, उस दिन हम कार्यकर्ता बड़े खुश हुए थे। पर कहेंगे उस निर्णय के बाद आज निराशा हाथ लगी है, तो हम यही अपनी आदरणीय कमलनाथ से अनुरोध करते हैं कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, और हमारे कार्यकर्ता की जो भावना है उस आदमी को अब ठीक है, उपयुक्त राजकुमार नहीं, उपयुक्त कोई बात नहीं, सत्यनारायण पाटीदार उपयुक्त नहीं है, बालकृष्ण नहीं है, और कोई कार्यकर्ता 1,81,000 में अगर आप उपयुक्त नहीं मानते हो, तो फिर आपको चुनाव कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना ही नहीं चाहिए फिर पार्टी में। तो हम उपयुक्त नहीं, तो हम वोट देने के लिए तो पैदा हो गया पार्टी में, इसलिए है तो हम हमारा बीच का आदमी विधायक बने, हमारा बीच का आदमी चुनाव लड़े, इस बात के लिए हम हमारी बात पहुंचा रहे। हमारा कोई विरोध नहीं, हम कांग्रेस झंडे के नीचे, कांग्रेस झंडे के नीचे रहेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आक्रोश के बाद भी यदि कमलनाथ जी ने अपना निर्णय नहीं बदला, या कांग्रेस पार्टी इस निर्णय में कायम रहती है और उम्मीदवार समंदर पटेल ही रहते हैं, ऐसी स्थिति में सतनारायण पाटीदार जी की भूमिका क्या रहेगी? मेरी भूमिका कार्यकर्ता रहेंगे, जो कार्यकर्ता कहेंगे, मैं अभी आप मंच के माध्यम से सुनना, मैं कार्यकर्ता से यही कहूंगा कि कार्यकर्ता कह देंगे समुद्र साथ अभी चलना है तो हम चले जाएंगे। कार्यकर्ता के जो करो, क्या निर्दलीय के तौर पर भी आप चुनाव लड़ सकते हैं? ये सर मैंने आपसे जो का अंतिम निर्णय कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता सावरिय सेठ ईश्वर के बाद अगर पार्टी में कोई राजनीति में काम कर रहा है तो कार्यकर्ता भगवान होता है, हम उसके साथ आज हमारा मान सम्मान है, अगर आप हमारे साथ खड़े हो तो कार्यकर्ता की वजह से हो। ये कार्यकर्ता जो निर्णय करेंगे वो सर्वधार्य है। अगर कार्यकर्ता बोलते हैं सतनारायण पाटीदार जी को निर्दलीय लड़ना चाहिए, इस स्थिति में आपका निर्णय उनके साथ रहेगा, ये सब आप उससे अलग विचार रखेंगे? मैंने कहा हमारी इज्जत मान सम्मान सब कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता कहेंगे अभी आप 2 पल के सामने आपके सामने बात आएगी, वो बात को मैं स्वीकार करूंगा। तो ये थे हमारे साथ सतनारायण पाटीदार जी, जो कह रहे थे कार्यकर्ता जो बात कहेंगे, जो निर्णय देंगे, जो आशीर्वाद देंगे, उसे ये सिरोधारी करेंगे, मान्य करेंगे। अब देखना होगा सतनारायण पाटीदार जी
क्या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, बाकी से नाकारजी चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, ये देखना होगा इस आयोजन के बाद कार्यकर्ता क्या अपनी राय रखते हैं। चेतक न्यूज के लिए प्रकाश पाराशर।